टाइगर 3 में कबीर के जो दर्शन हुए शामिंग से डरावने बने कबीर मतलब ऋतिक रोशन की, उसे देखकर तो सुपर से भी ऊपर की खुशी हुई। ऋतिक की आने वाली जितनी भी फिल्में हैं उन सब में ऋतिक का 2.0 वर्जन देखने को मिलने वाला है, ये तो फिक्स है। फिर वो फाइटर हो या फिर क्रिश 4 में ऋतिक अलग अंदाज में नजर आएंगे ये कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो होने ही वाला है। और इस बार ऋतिक ज्यादा ही खुश है क्योंकि उनका जादू जो आने वाला है फिर इसमें टाइम ट्रैवल होगा, क्या पता जादू की मौत भी हो जाए, क्योंकि जादू का इतनी टाइम बाद स्वागत हो रहा है तो जरूर ही जादू लेकर राकेश रोशन ने कुछ इंटरेस्टिंग ही प्लान किया होगा। अब ऋतिक तो जादू को मिस कर ही रहे हैं, पर बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस भी जादू से मिलना चाहती है। अब वो एक्ट्रेस कौन है? वो है स्वीट ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड श्रद्धा कपूर, जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की और कहा कि नीड अ धूप लाइक जादू, जिस पर ऋतिक ने कहा कि वो जल्द ही आने वाला है, जिस पर श्रद्धा की एक्साइटमेंट बढ़ गई और वो कब कहाँ कैसे सवाल पूछने लगी। तो अगर श्रद्धा को जादू से मिलने की इतनी एक्साइटमेंट है तो क्यों ना वो क्रिश 4 में आ जाए, वो काफ़ी सूट करेंगी क्रिश के सुपर हीरो यूनिवर्स में। वैसे श्रद्धा ने टाइगर श्रॉफ की मूवी फ्लाइंग जेट में कैमियो किया था, जो कि एक सुपर हीरो मूवी थी, उसमें हीरो तो क्रिश की तरह माइकल जैक्सन के मूव भी करता है। तो अब अगर श्रद्धा को सुपर हीरो फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर लिया जाए तो कुछ नया देखने को मिलेगा, और वो भी किसी भी कैरेक्टर में खुद को ढाल सकती हैं इजिली। रही बात स्टंट्स की, क्योंकि क्रिश 3 में हमने देखा कि किस तरह कंगना रनौत पावरफुल कैरेक्टर में नजर आई, जहां उन्हें एक्शन भी करना पड़ा तो श्रद्धा भी एक्शन कर सकती हैं। उन्होंने तो एक एडवर्टीजमेंट के लिए 34th फ्लोर से कूदकर एक भयानक स्टंट किया, जो करते वक्त वो जरा भी नहीं डरी, और डांस के मामले में भी श्रद्धा का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। और ऋतिक के फैंस भी यही चाहते हैं कि ये नई जोड़ी उन्हें देखने मिले। वैसे भी क्रिश ये इंडिया की पहली सुपर हीरो सीरीज है, ऊपर से ऋतिक मूवी फाइटर जैसी इंडिया की पहली एरियल मूवी भी कर रहे हैं। अब इतना सब कुछ पहली बार कर रहे हैं तो क्यों ना श्रद्धा के साथ भी पहली बार काम करें। अब आप बताओ आप कितने एक्साइटेड हो इस मूवी को लेकर। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अब तक खुश रहें एंड सेफ रहें। बाय बाय।